सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन पेपर कैसे बनाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिये, लाइन पेपर बनाना बहुत ईजी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो कीबोर्ड में कंट्रोल और एन एक साथ आप प्रेस करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मार्जिन सेट करना है। आप चाहे तो सेम मार्जिन छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं थोड़ा अलग मार्जिन लूंगा क्योंकि मुझे पूरे पेज में लाइन पेपर चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे ऊपर लेआउट सेक्शन में। ठीक है, ये रहा लेआउट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए ये रहा मार्जिन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल ये नॉर्मल मार्जिन है लेकिन मैं थोड़ा सा नैरो लूंगा। तो नैरो में आप देख सकते हैं कि ऊपर से बस इतना इतना सा स्पेस छूटेगा। ठीक है, तो नैरो पे हमने क्लिक कर दिया। आप कोई भी मार्जिन ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि कर्सर यहाँ पर मेरा ब्लिंक कर रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमको जाना है इंसर्ट टैब में। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए ये टेबल का ऑप्शन है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करिए और उसके बाद हमें इंसर्ट टेबल पे जाना है। ठीक, इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए तो इंसर्ट टेबल का जो छोटा सा एक विंडो है वो ओपन हो जाएगा। ये रहा इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करना है हमें, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना रहा हूँ, आप इसको मतलब चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं सिंगल कॉलम और यहाँ पर मैं 53 रोज लूंगा। ठीक, ये देखिए सिंगल कॉलम मैंने रखा है, 53 रोज रखा है, बाकी किसी चीज को मैंने टच नहीं किया है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि एक लाइन पेपर का यहाँ पर बन गया पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड की जो बाउंड्री है या बॉर्डर है, राइट हैंड साइड का जो बॉर्डर, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल इसको सेलेक्ट करिए। ठीक, उसके बाद हमको जाना है होम सेक्शन में। ये रहा होम सेक्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए ये है ऑप्शन आपको मिलता है बॉर्डर्स का, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए। एक बार हम लेफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक, उसके बाद फिर से जाएंगे बॉर्डर पे और इस बार हम राइट वाले बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ये दोनों पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साइड के जो बॉर्डर है वो हट गए। मेरे में डॉट डॉट दिखा रहा है, थोड़ी अलग सेटिंग है, आपके में हो सकता है बॉर्डर एकदम से हट जाए। तो लाइन पेपर आपका बन गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लाइन पेपर बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।